एक गरीब परिवार का युवक था। कठिनाइयां सहन करते हुए उसने पढ़ाई की। पढ़ाई में वह बहुत मेधावी था। उसका अध्ययन चल ही रहा था कि उसकी सगाई के लिए प्रस्ताव आने लगे। युवक को एक धनिक परिवार ने पसंद कर लिया। कन्या के माता पिता ने युवक के कुटुंब वालों से संपर्क किया और अपनी पुत्री के लिए प्रस्ताव रखा। कन्या संस्कारी थी, इसलिए युवक को भी कन्या पसंद आ गई और विवाह तय हो गया। कन्या के पिता को दामाद की आर्थिक स्थिति की जानकारी थी, इसलिए वे उन्हें भरपूर धन देना चाहते थे। ससुर की इच्छा थी कि वे दामाद को मालामाल कर दे। कन्या के पिता का मत था कि विवाह के पहले ही पुत्री को सब कुछ दे दे। उनकी इच्छा थी कि वे विवाह के पूर्व ही वस्त्र, आभूषण, घर गृहस्थी की आवश्यक वस्तुएं, साथ ही एक बड़ी नगद धनराशि दामाद को दे। युवक को जब दहेज की जानकारी मिली तो उसने दृढ़ता से कहा, चाहे जो भी हो, मैं यह दहेज लेने वाला नहीं हूं। दूसरे अन्य रिश्तेदार भी वहां उपस्थित थे। कई लोगों ने युवक को समझाया, लेकिन युवक टस से मस नहीं हुआ। लेकिन फिर भी कन्या के पिता को आशा थी कि विवाह के समय तो दामाद मान ही जाएंगे। विवाह के दिन युवक दूल्हे राजा बनकर विवाह मंडप में पहुंच गए। आवश्यक रस्में पूरी हुई। मंगल फेरों की तैयारियां होने लगी। ससुराल पक्ष की ओर से दहेज की बात आई। दहेज स्वीकार करने के लिए वर राजा से अनुरोध किया गया। युवक अडिग था। उसने स्पष्ट रूप से कह दिया, किसी भी रूप में मैं दहेज नहीं लूंगा। ससुर जी बारंबार अनुरोध किए जा रहे थे, यह सब तो आपको लेना ही होगा। यह आपको नहीं बल्कि मैं अपनी पुत्री को दे रहा हूं। युवक चुप हो गया और फिर नम्रता से कहा, आप मुझे दहेज ही देना चाहते हैं, तब मैं आपसे जो मांग करूंगा वह आप देंगे? हां, जो भी मांगोगे वह इसी समय दे दूंगा। तो फिर ऐसा करो, मुझे एक चरखा व दो गज खादी दे दो। यह सुनकर वहां मौजूद सभी आश्चर्यचकित हो गए। बहुत से नजदीक के रिश्तेदार तो कहने लगे, हम जो भी दे रहे हैं वह हमारी पुत्री को भी दे रहे हैं, इसलिए वह तो आपको लेना ही होगा। यदि देना ही है तो यही दे, नहीं तो मैं विवाह मंडप को छोड़कर ही चला जाऊंगा। अंत में ससुर मान गए। दामाद की दृढ़ता के लिए उन्हें गर्व हुआ। उन्होंने दामाद को एक चरखा व दो गज खादी दी। वह युवक थे हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री वामन व विराट लाल बहादुर शास्त्री।